स्वागत है आपका मायापुरी कट पर। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और आप देख रहे हैं इंडियन फिल्मी एक्सप्रेस, जहां पर हम आप तक सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा से जुड़ी सारी अपडेट्स पहुंचाएंगे। सो लेट्स बिगिन। ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा 3 साल बाद इंडिया आई है। फिलहाल एक्ट्रेस अपने हेयर केयर ब्रांड के प्रमोशन में बिजी है। इन सबके बीच प्रियंका अपनी अपकमिंग फिल्म जीले जरा को लेकर भी सुर्खियों में बनी हुई है। इस फिल्म में उनके साथ कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट भी स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी। देसी गर्ल ने जीले जरा को लेकर अब बात की है। उन्होंने कहा, मैंने अपने 2 दशक लंबे फिल्मी करियर के दौरान काफी टाइम ऐसा बिताया है जहां ज्यादातर महिला एक्ट्रेसेस को पुरुष एक्टर की तुलना में सेकंड क्लास का ही माना जाता है। मेल एक्टर ही ये तय करते हैं कि फिल्म की शूटिंग कहां होगी, कौन कौन से आर्टिस्ट को फिल्म में लिया जाएगा और क्या होगा। ये काफी बोरिंग है। हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहां महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान इस वक्त चर्चा में है और इसको निर्देशक एटली बना रहे हैं। हालांकि फिल्म के साथ एक विवाद जुड़ गया है जिसको लेकर एटली काफी मुसीबत में है। बताया गया है कि शाहरुख खान स्टारर फिल्म की कहानी विजयकांत के पेरारासू से ली गई है और ये फिल्म 1990 में रिलीज हुई थी। जी हाँ, जवान के मेकर्स पर फिल्म की कहानी चोरी करने का आरोप लगा है। इस शिकायत के बाद जवान निर्देशक काफी चर्चा में है। हालांकि इस मामले पर अभी तक शाहरुख खान का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस समांथा और नागा चैतन्या की शादी को लगभग 4 साल ही हुए थे कि दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया। साल 2021 में दोनों कानूनी तौर पर एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ दिनों पहले समांथा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करके बताया कि वो ऑटोइम्यून कंडीशन मायोसिटिस से पीड़ित हैं, जिसके बाद फैंस ने उनके जल्दी ठीक होने की दुआएं की। मीडिया में ऐसी अफवाहें चल रही थी कि उनके एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य और उनके पिता नागा अर्जुन समांथा से अस्पताल में मिलने की योजना बना रहे हैं। इस दौरान नागा चैतन्य ने अपनी एक्स वाइफ को कॉल करते हुए उनका हालचाल भी पूछा है। हालांकि ये बात कितनी सच है ये तो अब तक पता नहीं चल पाया है। साउथ एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन जितनी अपनी एक्टिंग और फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, उतनी ही अपनी खूबसूरती के लिए भी पॉपुलर हैं। एक्ट्रेस ने अब अपना एक नया वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। ये वीडियो एक ज्वेलरी एड का है जहां त्रिशा अलग अलग ज्वेलरी पहने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। उनका ये लुक आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहनाज गिल अपने फैंस के बीच दिन ब दिन और भी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं। आपके सैटरडे को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए शहनाज ने अपना नया सिंगिंग वीडियो शेयर किया है। उनकी आवाज में एक खूबसूरत सा गाना सुनकर फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। आपको उनका ये सॉन्ग और उनका ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सपना चौधरी बुरी तरह से फंस गई हैं। लखनऊ की एक अदालत ने मशहूर डांसर सपना चौधरी और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय कर दिए। उनके खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 406 और धारा 420 के तहत आरोप तय कर दिए हैं। दरअसल मामला ये है कि सपना चौधरी सहित अन्य कलाकारों का एक कार्यक्रम था। इसके लिए आरोपियों ने प्रति व्यक्ति 300 रुपए का टिकट बेचा था। रात 10 बजे तक डांसर के ना आने पर कार्यक्रम के कैंसिल होने से नाराज लोगों ने हंगामा किया था। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पवन सिंह की मैरिड लाइफ में बीते कुछ महीनों से अड़चने चल रही हैं। एक्टर की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह एक इंटरव्यू में पवन सिंह के खिलाफ कई चौंकाने वाले खुलासे कर चुकी हैं। ज्योति सिंह ने पवन सिंह और उनके परिवार पर मारपीट, गाली गलौज और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। इस खबर से भोजपुरी सिनेमा में खलबली मच गई है। भोजपुरी के सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक अक्षरा सिंह की अदाकारी और उनकी खूबसूरती के लाखों लोग दीवाने हैं। वहीं वो आए दिन किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। आपको तो पता ही होगा कि अक्षरा जौनपुर के बदलापुर महोत्सव में पहुंची थी जहां स्टेज पर लोगों ने पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद ऐसी खबरें सामने आई थी कि इन सब से अक्षरा नाराज हो गई और गुस्से में वहां से चली गई। वहीं अब इस सब पर अक्षरा ने अपनी बात रखी है। अक्षरा ने कहा है कि इस शो में काफी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और आयोजक ने कहा कि वो इस भीड़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए भगदड़ ना मचे। इस वजह से उन्होंने शो को बंद करा दिया और सुरक्षा के लिहाज से उन्हें वहां से जाने की सलाह दी। वहीं नाराज होकर वहां से जाने की बात पर उन्होंने कहा, पत्थरबाजी हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन मैं कभी भी नाराज नहीं होती। वहीं पत्थरबाजी होने की बात पर उन्होंने कहा कि पत्थर क्यों फेंके गए थे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन उन्हें लगता है कि वो पत्थर उन पर नहीं फेंके गए थे।
अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और देखते रहिए इंडियन फिल्मी एक्सप्रेस मंडे टू सैटरडे एट 8 PM ओनली ऑन MyPuricut।